20 गोलियों के साथ जो प्रकातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली। मई 2022 एक ऐसी घटना होती है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। यस, सिद्धू मूसेवाला जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसके बाद उनके सॉन्ग्स को हर जगह पर लोग ट्रिब्यूट की तरह प्ले करते हैं। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी न्यूज से भर जाता है। ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। बट इसी समय इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड तिहाड़ की जेल में हंस रहा था। जी हाँ, ये कहानी है उस इंसान की जिसने जेल में बैठे बैठे ही 50 गोलियां चलवाकर 20 सड़क पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने पूरे बॉलीवुड में अपना खौफ बना रखा है। ये कहानी है उस इंसान की जो जेल के अंदर बैठे बैठे व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है और क्राइम करवाने के बाद उसको फेसबुक पर खुलेआम कबूल करता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसके लिए 600 से भी ज्यादा लोग हर समय मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। और ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। A popular Punjabi rapper has been shot dead. Punjabi singer सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। Gangster Lawrence Bishnoi has admitted to getting the Punjabi singer killed. Superstar सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। उनका टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। लॉरेंस पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है जिसने अपनी 12th तक की पढ़ाई अबोहर नाम के एक छोटे से शहर से पूरी की। लॉरेंस बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसकी फैमिली 2010 में उसे चंडीगढ़ भेज देती है उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। और ये एक डिसीजन न केवल लॉरेंस और उसकी फैमिली बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक साबित होता है। लॉरेंस चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में LLB की डिग्री के लिए एडमिशन लेता है और अमीर फैमिली से होने के कारण वो काफी जल्दी पूरे कॉलेज में फेमस हो जाता है। अब पूरे कॉलेज में फेमस हो जाने के बाद 2011 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उसकी दोस्ती होती है गोल्डी ब्राड से जो बाद में लॉरेंस का राइट हैंड बनता है। लॉरेंस 1.5 साल के अंदर ही पूरे कॉलेज में इतना फेमस हो जाता है कि उसके सारे दोस्त मिलकर कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद लॉरेंस खुद अपनी पार्टी SOPU यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की शुरुआत करता है और इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। लेकिन इलेक्शन में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इलेक्शन जीत नहीं पाता है और ये हार लॉरेंस को बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए लॉरेंस और अपोजिशन पार्टी के लीडर उदय सिंह के बीच में आए दिन झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और इसी के चक्कर में लॉरेंस एक दिन गन खरीद लेता है और एक दिन इन दोनों के बीच ऐसा झगड़ा होता है जिसके शोर से पूरा चंडीगढ़ दहल जाता है। दोनों तरफ से गैंगवार शुरू हो जाती है और सैकड़ों गोलियां चलती हैं। लेकिन इस गैंगवार के चक्कर में लॉरेंस को पंजाब पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है और उसके बाद उस पे पहली FIR दर्ज करती है। लेकिन फिर किसी कनेक्शन की वजह से लॉरेंस जेल से छूट जाता है और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक इलेक्शन में हार की वजह से। अब जेल से निकलने के बाद लॉरेंस अपने दुश्मनों को सबक सिखाने और पुलिस से बचने के लिए जग्गू भगवानपुरिया, जो इंडिया का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक गुंडा माना जाता था, और रॉकी फजिलका जिसके ऊपर 23 मर्डर्स करने के केसेस चल रहे थे, उनके साथ आकर हाथ मिला लेता है। और इन दोनों के साथ हाथ मिलाने के बाद लॉरेंस अब क्राइम की दुनिया में ऑफिशियली उतर चुका था। जल्द ही लॉरेंस क्राइम्स के मामले में जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजिलका से भी रैंक्स में ऊपर आ जाता है। इनमें से जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का मेंटर यानी कि गुरु बनता है, जो लॉरेंस को समझाता है पैसे और पावर का रिश्ता कितना गहरा है। और उसके बाद लॉरेंस इसी चीज पे काम करना शुरू कर देता है और पैसे के लिए पंजाब में 20 साल की उम्र में ही उसने एक एक्सटॉर्शन ग्रुप चलाना शुरू कर दिया। एक्सटॉर्शन ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो कई सारे बड़े और अमीर सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन से जोर जबरदस्ती पैसा मांगता था और जो भी इस गैंग को पैसे देने से इनकार कर देता था उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता था। और शायद इन्हीं कारणों से लॉरेंस का कनेक्शन पुलिस के साथ भी काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही उस पर 50 से भी ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी थी। पुलिस बार बार लॉरेंस को अरेस्ट करती और लॉरेंस अपने कनेक्शंस का यूज करके बार बार पुलिस की कैद से आजाद हो जाता था या फिर पुलिस को लॉरेंस के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता था। लेकिन चाहे जो भी हो, लॉरेंस एक बात को बहुत अच्छे से जानता था
कि पुलिस किसी भी दिन उसको बहुत अच्छे से दबोच सकती है। इसलिए पुलिस से बचने के लिए लॉरेंस कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिलता है। वो जग्गू और रॉकी के साथ मिलकर पंजाब के अलग अलग गैंग्स के साथ कोलेबरेट करना शुरू कर देता है और सभी खतरनाक से खतरनाक गैंग्स को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। इसी बीच 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को इलीगल वेपन्स कैरी करने और असॉल्ट के मामले में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जेल जाना उसके लिए एक वरदान साबित होता है क्योंकि उसके बाद उसकी जेल में ही मुलाकात होती है आनंद पाल से, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुंडा था और इसने 12 से भी ज्यादा लोगों का खून कर रखा था। अब आनंद पाल के साथ जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस अपने गैंग को बढ़ाना शुरू कर देता है। उसने धीरे धीरे हरियाणा की काले जठेड़ी, दिल्ली की जितेंद्र गोगी और यूपी के कई गैंगस्टर्स के साथ अपने कनेक्शंस मजबूत कर लिए और इन सभी में अभी जो रिसेंटली इलाहाबाद में गैंगस्टर मारा गया है उसको भी शामिल किया जाता है। और लॉरेंस ये सब अच्छे से कर रहा था जेल में बैठे बैठे। अब अगले साल 2015 में जब लॉरेंस को राजस्थान की जेल से पंजाब की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो वो अपने कई साथियों की मदद से पुलिस की कैद से भाग जाता है और भाग कर वो नेपाल पहुंच जाता है, जहां पर वो 6 महीने रहता है और कई सारे हथियार जमा करना शुरू कर देता है, जैसे ऑटोमेटिक राइफल्स, मिसाइल गन्स और ग्रेनेड्स। और नेपाल जाने के 6 महीने के बाद पंजाब पुलिस उसे दोबारा से पकड़ लेती है, लेकिन इस बार उसने अपना पूरा गेम ऑलरेडी ही बदल डाला था क्योंकि इस बार उसने अपने सभी गैंग्स को अच्छे से स्ट्रक्चराइज्ड कर दिया था और उनको डिजिटल कर दिया था, और इसलिए वो जेल के अंदर बैठकर अपने गैंग को एक मोबाइल से मैनेज करने लग जाता है, जहां वो व्हाट्सएप पे सुपारी लेता और फेसबुक पर लोगों को खुले आम धमकियां देता। देखो, लॉरेंस के गैंग का मेन काम था एक्सटॉर्शन करना, यानी लोगों को किडनैप करके या जोर जबरदस्ती करके लोगों से पैसा निकालना, और जो भी इस पैसे को देने से इनकार करता है उसकी भयानक तरीके से मौत पक्की हो जाती है। आज लॉरेंस का गैंग इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो न केवल इंडिया में बल्कि थाईलैंड, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में भी ऑपरेट करते हैं। और लॉरेंस के गैंग में सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके जितने भी गैंग मेंबर्स हैं वो सभी स्टूडेंट हैं, क्योंकि लॉरेंस को वो सभी आइडियल मानते हैं और उसके एक इशारे पर लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखो, लॉरेंस तो तिहाड़ की जेल में काफी अच्छे से बैठा हुआ है और वो जितने भी क्राइम्स करवाता है वो सभी क्राइम्स यही स्टूडेंट मिलकर करते हैं, और शायद इसीलिए पुलिस को लॉरेंस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता और लॉरेंस सभी के सामने अपने आप को भगत सिंह का शिष्य बताता है। लेकिन आज इस भगत सिंह के शिष्य के कनेक्शंस रिंदा संधू जैसे टेररिस्ट से भी माने जाते हैं, जो कि इंडिया की जेल से भाग निकला था और पाकिस्तान में रहने लग गया और अब वो लॉरेंस के थ्रू इंडिया में टेरर फैलाने का काम करता है। अब देखो, लॉरेंस का एक्सटॉर्शन वाला खेल तो चल ही रहा था, इसी बीच लोग उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी जानने लग जाते हैं। जब उसने 29 मई 2022 को इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या करवा दी, तो 29 मई 2022 को जब सिद्धू अपने घर से 8 किलोमीटर की दूर पर रास्ते पर जा रहा था, तभी एक तरफ से ये वाली एक बोलेरो और दूसरी तरफ से ये वाली एक कोरोला उसके रास्ता रोक लेती है, और जब तक सिद्धू कुछ समझ पाए या कर पाए तब तक बोलेरो से ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्स में सिद्धू भी अपनी पिस्तौल निकालता है और केवल 2 बार ही फायर कर पाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और 2 मिनट लगातार गोलियां चलने के बाद सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो जाती है। और इसके कुछ ही घंटों के बाद लॉरेंस का राइट हैंड यानी कि गोल्डी ब्रार फेसबुक पर दुनिया के सामने अनाउंस करता है कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को जान से मार डाला। इतना सब होने के बाद भी लॉरेंस कभी ये बात नहीं मानता कि उसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई और लोगों को बोलता है कि मैं सिद्धू की मौत पे काफी खुश हूँ, क्योंकि सिद्धू को लॉरेंस एक खालिस्तानी मानता था। और इसी हादसे के बाद लॉरेंस और उसके राइट हैंड गोल्डी ब्रार को इंटरनेशनल लाइमलाइट मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन नेशनल लाइमलाइट मिलना तब शुरू होती है जब 2018 में जयपुर की कोर्ट में सलमान खान को उसने मारने की धमकी दी थी। उसका कहना है कि मूवी की शूटिंग करने के दौरान सलमान खान ने जिस ब्लैक बग को जोधपुर में मारा था वो ब्लैक बग हमारी बिश्नोई कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा सेक्रेट यानी पवित्र माना जाता है, इसलिए सलमान खान ने ब्लैक बग यानी काले हिरन को मारकर हमारी कम्युनिटी का डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए सलमान खान को इस गुनाह के लिए बिश्नोई कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं सलमान खान को जान से मार डालूंगा। और लॉरेंस ने सलमान खान को सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि उसने अपने सबसे फेवरेट शूटर संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए मुंबई भी भेजा, लेकिन जब संपत कई दिनों की प्लानिंग करने के बाद
अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास में था तभी उसको मुंबई पुलिस पकड़ लेती है और जिसके बाद लॉरेंस का प्लान सलमान खान का मारने का अधूरा रह जाता है। लेकिन 5 साल के बाद लॉरेंस ने वही धमकी सलमान खान को दोबारा दी है जो 5 साल पहले जयपुर कोर्ट में दी थी। उसने ABP न्यूज को खुले आम इंटरव्यू दिया, वो भी जेल में बैठे बैठे, जिसमें उसने ये बोला, उनका टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। इंटरव्यू की ये वाली क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसी के साथ लॉरेंस की पॉपुलैरिटी और उसका खौफ भी काफी ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। उसने जेल को मानो एक पर्सनल हवेली बना ली है जहां पर बैठकर वो आराम से अपने सभी क्राइम्स को अंजाम देता है। अभी इस चीज को आप क्या कहेंगे, प्रशासन की कमी है या फिर जेल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसकी गैंग से डरते हैं और उसको अंदर ही सपोर्ट करते हैं? इस चीज को कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।